ऐसा है जी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या होता है, जैसे ही आपने एलएलबी पास आउट किया ना, तो उसके बाद में आपको एक ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम क्लियर है जो करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं AIBE। ठीक है, तो AIBE 18 का एग्जाम हुआ था और बहुत दिनों से इसका इंतजार था, फाइनली अब उसका रिजल्ट आया है। लेकिन इस रिजल्ट को दो इंस्टॉलमेंट में रखा गया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उनको जो है अपना डॉक्यूमेंट जो भी है वो इस ईमेल आईडी पर मेल करना है, bci.helpdesk@smartexam.in। उसके बाद में 10 अप्रैल तक आपको सबमिट करना है और फिर 15 अप्रैल को आपका रुका हुआ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, 7 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। 7 क्वेश्चन जो है वो क्या हुए थे, डिलीट है जो हो गए थे। तो अब आपका 93 में से सारा जो भी रिजल्ट है जो आएगा, 7 क्वेश्चन को जो विड्रॉ है जो कर लिया गया था। ठीक है, तो अब रिजल्ट कैसे देखना है, कोई टेंशन नहीं है, हमें सिंपली यहां पे जाना है और इसमें इस वाला ये जो आपको दिख रहा है AIBE 18 स्मार्ट एग्जाम लिखा आ रहा है, smartexams.in, यहां पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जो भी आपका यूजर आईडी है और पासवर्ड है आपको सिंपली यहां पे डालना है और उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, इनको अपना रिजल्ट है जो देख पाएंगे। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो यहां पे इसका ऑप्शन भी है फॉरगेट पासवर्ड का, वो कर दीजिएगा। यहां पर आपको क्या गया, आपके पास ईमेल पर ओटीपी आएगा, वहां से वापस अपना पासवर्ड रीस्टोर कर देना, रीसेट है जो कर देना, और आपका रिजल्ट आपके सामने इस तरीके से अवेलेबल है। तो भैया अब AIBE 19 वाले तैयार हो जाओ। देखो समय के साथ साथ इन्होंने AIBE एग्जाम को भी टफ कर दिया है, ऐसा नहीं है कि अब बैठे और पास हो गया, नहीं, अब एग्जाम बहुत टफ है। इसमें आपको बेरेक अलग से कैरीवेरी है जो करने पड़ते हैं, लेकिन बेरेक ध्यान रखना कमेंट्री वाले नहीं होने चाहिए, अलग से नीचे कोई केस वेस के नाम लिखे हो ऐसे नहीं होने चाहिए। सर क्या लिंकिंग बेरेक, दौड़ेंगे लिंकिंग बेरेक, AIBE एग्जाम में आप मस्ती से लेके जा सकते हो। अब आ जाता हूं मैं मेन मुद्दे पर। तो AIBE 18 का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ, जो आपकी जानकारी के लिए मैंने सबसे पहले आपको यहां पर बताया है, और मार्च मंथ का एंडिंग है जो चल रहा है। और एक शानदार न्यूज मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के अंदर एक कॉर्पोरेशन का डिस्काउंट बेनिफिट मिलता है। अगर आपका प्लान है जुडिशी के साथ में प्रिपरेशन को एकदम लिंकिंग स्टाइल में डील करने का, जहां पर डायग्रामेटिक नोट्स बनाए जाए और साथ ही साथ में मेडिटेशन का टेक्निक इस्तेमाल किया जाए और बेरेक के हर वर्ड्स को डील करते हुए एग्जाम को क्रैक करने का स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन हो सके, तो आइए आपको बताना चाहता हूं मैं कि यहां पे मार्च एंडिंग का अनअकैडमी से ऑफर चल रहा है। अब आप देखिए लिंकिंग कोड यूज करना है तो 12 मंथ के साथ 6 मंथ का आपको एडिशनल वैलिडिटी मिलेगा, और यहां पर साथ ही साथ में यानी कि 20% ऑफ, 18 मंथ के साथ भी 6 मंथ फ्री और 24 मंथ के साथ 12 मंथ का एक जो है फ्री जुडिशरी सब्सक्रिप्शन। अब देखो इसमें अनलिमिटेड एक्सेस, ऐसा नहीं है कि आप एक बार देखो दो बार देखो तो फिर बंद हो जाएगा, नहीं, जितना आपका वैलिडिटी पीरियड है उतने टाइम तक अनअकैडमी पर आप कोई भी क्लास देख सकते हो, न्यू क्रिमिनल लॉस की, आपके कोई राजस्थान एपीओ का वैकेंसी है, किसी भी स्टेट का कोई भी जुडिशियल का वैकेंसी होता है उसका आपको ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगा ड्यूरिंग योर वैलिडिटी पीरियड। अगेन आई एम सेइंग 1 अप्रैल से डेफिनेटली जो क्या होगा न्यू फाइनेंशियल ईयर का एक प्राइस राइज है जो हो जाएगा 56,000 के अंदर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन क्या लेकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ऑफर है, इसलिए कह रहा हूं कि अगर वाकई में तैयार हो न्यायिक सेवा को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के लिए तो तैयारी अभी और इसी वक्त शुरू करेंगे, राइट? सो डोंट मिस इट, लिंकिंग कोड के साथ ज्वाइन कीजिए ताकि प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया किया जा सके। यहां पर आपके बीच में बताना चाहता हूं कि एक रेगुलर बैच जो है वो आपके लिए राजस्थान एपीओ का तो अलग है ही, साथ ही साथ में और भी कहीं जैसे कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन बैच हमारा अनिल खन्ना सर का आ रहा है और मेरा भी एक रेगुलर बैच चल रहा है, जिसको आप क्या कर पाएंगे, ज्वाइन है जो कर पाएंगे। So don't miss it. Let's crack judiciary.